नैनीताल में सोमवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से देश की सेना और ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है। 75% अग्निवीर 4 साल में अपने राष्ट्र की सेवा करने के बाद समाज में जाएंगे तो वह अनुशासन, समाज, देश के प्रति प्रेम एवं एक सभ्य समाज बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि अग्निपथ योजना के आने से उत्तराखंड के युवाओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने रक्षा एवं गृह मंत्रालय समेत कई राज्यों के अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि भविष्य में अन्य सरकारी और निजी क्षेत्र भी अग्निवीरों को प्रोत्साहन देने हेतु आगे आएंगे। वहीं अग्निपथ योजना राष्ट्रीय निर्माण एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना अहम योगदान निभाएगी। इस योजना से भारतीय सेना में नौजवानों की संख्या अधिक होगी, साथ ही सेना में आधुनिकता के साथ कई बदलाव देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। कुछ आगजनी के इंसिडेंट हैं, कुछ विद्रोह है, कुछ डिस्ट्रक्शन किया गया है। ये जो इनडिसिप्लिन है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और किसी भी पैमाने पर ये जस्टिफाइबल भी नहीं है। मैं तो कहूँगा ये वो तत्व हैं जो घबरा गए हैं कि देश की जो सेना है वो किस शक्ति की तरफ बढ़ रही है। और मैं इससे मेरे को एक और चीज़ ऐसा लगता है कि अग्निवीर जब 4 साल के बाद में जो 75% हमारे जो अग्निवीर मुख्य धारा में जाएंगे, वो जो एक मैसेज लेके जाएंगे डिसिप्लिन का और राष्ट्र निर्माण का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा।